सोलन का युवा नशे की दलदल में फंसता जा रहा है। नौजवान पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसकर पंजाब के नौजवानों की तरह अपनी जान तक गंवा रहे हैं। पुलिस भी लगातार नशे का काला कारोबार करने वालों पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश कर रही है। देर शाम भी पुलिस ने एक युवक को कुछ युवाओं को चिट्टा पिलाते हुए रंगे हाथों उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी आशु को गिरफ्तार किया और उसके साथ पकड़े गए 7 युवाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हैरानी वाली बात यह है कि पकड़े गए युवाओं में एक जटाधारी बाबा भी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जैसे ही घर पर रेड मारी तो शातिर युवक ने चिट्टे को शातिराना ढंग से पर्दा टांगने वाली रॉड में छिपा दिया। जब पुलिस ने सख्ती की तो कुछ देर में चिट्टा बरामद कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक मधुसूदन ने बताया कि पुलिस ने नशे का काला कारोबार करने वाले एक युवक के पास से करीबन 11 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। जब यह युवक पकड़ा तो उसके साथ 7 और संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे भी पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। फिलहाल युवक आरोपी आशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। कल सोलन पुलिस ने नशे के अभियान के विरुद्ध, नशे को पकड़ने का जो अभियान चलाया हुआ है उस कड़ी में एक व्यक्ति जिसका नाम आशुतोष छत्री है और वो रबौन का रहने वाला है, उससे 11 ग्राम चिट्टा रिकवर किया है और एक केस दर्ज किया है। मुझे ऐसी सूचना मिली है कि और लड़के भी थे, लेकिन क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है तो इसलिए जिसके कब्जे से जो मादक पदार्थ पाए गए हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।